दोस्तों 10 अप्रैल को आने वाली है आपकी दो मूवीज। पहली आने वाली है मैदान और दूसरी उसी दिन आने वाली है MCBC। इसका मतलब है बड़े मियां और छोटे मियां। तो दोस्तों अब इनमें से कौन सी मूवी चलेगी या नहीं चलेगी ये तो हमें पता चलेगी 10 तारीख को ही। लेकिन अभी आज के दिन एक फाइनल ट्रेलर आया है जो आया है मैदान का और उसने अपनी हाइप लाइन स्टार्ट कर दी है। ये मूवी कई बार पोस्टपोन हुई है लेकिन फिर भी इसकी हाइप 1% भी खत्म नहीं हुई है। मूवी के अंदर आप सबको पता है कि इंडिया के अंदर ज्यादातर जो फैन बेस है वो क्रिकेट का है। अभी आईपीएल चल रहा है और आईपीएल में आप सबको पता है क्या चल रहा है, सब लोग पागल है आईपीएल के लिए। मेनली हमारे इंडिया के अंदर लोग क्रिकेट के लिए बहुत पागल है लेकिन वर्ल्ड के अंदर फुटबॉल सबसे बड़ा गेम माना जाता है। तो इस टाइम पे हम बात करने वाले हैं फुटबॉल गेम के बारे में जो कि मैदान में दिखाया जाएगा। हो सकता है कि मैदान मूवी आने के बाद लोगों के अंदर शायद क्रेज जाग जाए और इसके अंदर अभी अजय देवगन जो है वो एक्टिंग करने वाले हैं। इनकी लास्ट मूवी होगी आप मुझे इनकी लास्ट मूवी बहुत अच्छी गई है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अभी ही शैतान आई थी कुछ दिन पहले, 200 करोड़ रुपए कंप्लीट कर लिए हैं। उससे पहले आपकी आई थी दृश्यम 2 जिसने काफी अच्छा टर्नओवर निकाला था। तो मेरे को लग रहा है कि दोस्तों इनकी अगली मूवी बहुत अच्छा करने वाली है। इस टाइम पे मैदान का ट्रेलर आया था और ट्रेलर के अंदर एक एक सीन इतना अच्छा लग रहा है, उसके बारे में एक एक डीपली बात करी गई है। प्रॉपरली मूवी जो होने वाली है वो आपकी इसके अंदर आपके जो सीक्वेंसेस हैं बहुत ज्यादा अच्छे लिए हैं। एक एक चीज इनका इमोशन एक्शन गेम्स एक एक चीज बकायदा बहुत प्यार दी गई है। इसको देख के सच में दोस्तों मैं दिल कर रहा है कि मूवी देख के आऊं। मूवी जो आपकी आने वाली है वो 10 अप्रैल को आने वाली है और मेरे दोस्त 10 अप्रैल को जो मूवी आने वाली है फ्राइडे नहीं है उस दिन बुधवार है, ये बात ध्यान रखना कि बुधवार मूवी आने वाली है। और इस मूवी को उन्होंने ज्यादा टाइम इसलिए लगाया क्योंकि इन लोगों ने जो प्लेयर्स दिए हैं वो उन्होंने बहुत सोच के लिए है, जो कास्टिंग करी है बहुत ज्यादा सोच के करी है। कैसे करी है बताता हूँ। इसके अंदर इन्होंने जो कास्ट लिया है उसे बंदा जो होना चाहिए वो उसे फुटबॉल खेलना आना चाहिए पहली बात तो। दूसरा जो उस टाइम के बंदे थे जो जैसे वो लोग दिखते थे वैसे ही कुछ कुछ कास्ट लेने की कोशिश करी गई है। और ये सिर्फ मूवी नहीं होने वाली है, बंदे की बायोपिक भी होने वाली है जो कि हमारे यहाँ के बहुत अच्छे फुटबॉल कोच थे जिनकी जब वो हमारे इंडिया को कोच करते थे उस टाइम पे हमारा इंडिया को गोल्डन एरा ऑफ फुटबॉल कहा गया था। तो मैं चाहूंगा कि दोबारा इस मूवी को देख के लोगों के अंदर फुटबॉल की जिज्ञासा जगे और लोग मूवी देखने जाए। तो दोस्तों अभी के लिए रिव्यू यहीं पर खत्म करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपको मिलते हैं 10 तारीख को थिएटर में। तो अभी के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों।